हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप इस न्यूक्लियर कंटेंट की बात करें, इस न्यूक्लियर कंटेंट्स की बात करें, तो इन न्यूक्लियर कंटेंट के अंदर आपके पास एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो कि फ्लूइड पोर्शन है। अच्छा, दूसरी तरफ आपके पास यहां पर जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, ये जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल है, ये असल में दो फॉर्म्स के अंदर मौजूद होता है मेरे बेटे। ये या तो आपके पास एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी यानी न्यूक्लियोलस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या ये आपके पास क्रोमाटिन बॉडी की फॉर्म में मौजूद होता है। अगर ये आपके पास क्रोमाटिन बॉडी की फॉर्म में मौजूद हो, तो हम ये कहते हैं कि ये क्रोमाटिन्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। या तो मेरे बेटे ये आपके पास यू क्रोमाटिन होते हैं, ये आपके पास यू क्रोमाटिन होंगे, या ये आपके पास हेट्रो क्रोमेटन होंगे। अच्छा, जब कभी आप यू क्रोमेटन की बात करते हो, तो यू क्रोमेटन आपके पास बेसिकली वो रीजन होता है जहां पर आपके जीन्स मौजूद होते हैं। ये एक आपका एक्सप्रेसिबल डीएनए है, जबकि हेट्रोक्रोमेटन आपके पास वो डीएनए होता है जो आपके पास यूजुअली एक्सप्रेस नहीं करता। ये आपके पास यूजुअली बेटे वो उस फॉर्म का डीएनए है जो आपकी बॉडी के अंदर चूंकि एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि ये वो डीएनए है जो आपके पास दूसरों से आया है। अच्छा, दूसरों से आने का क्या मतलब है? असल में हम ह्यूमंस बेसिकली इवॉल्व हुए हैं ग्रेजुअली, हम हमेशा से इंसान नहीं थे, हम बहुत से डिफरेंट स्पीशीज से बदलते बदलते आज इंसान बने हैं। क्योंकि हम डिफरेंट स्पीशीज से बदलते बदलते आज इंसान बने हैं, तो इस वजह से हमारे पास बहुत सा डीएनए ऐसा है जो हमारा अपना नहीं है बल्कि दूसरों की तरफ से आया है। तो वो डीएनए आज हमारी बॉडी में एक्सप्रेस नहीं होता, इस वजह से उसको हम लोग नॉन एक्सप्रेसिबल डीएनए यानी हेट्रोक्रोमेटिन्स का नाम देते हैं। जब कभी आप न्यूक्लियोलस की बात करते हो, तो हम लोग ये कहते हैं कि बेटे न्यूक्लियोलस के आपके पास दो रीजन्स मौजूद हैं। एक आपके पास वो रीजन है जो कि पेरिफेरल रीजन है जो ग्रेनुलर फॉर्म कंटेन करता है, और आपके पास एक रीजन वो है जो कि सेंट्रल फिब्रिल फॉर्म कंटेन करता है। तो वो कहता है जी न्यूक्लियोलस की जब कभी आप बात करोगे, तो एक आप यहां पर सेंट्रल रीजन कंटेन करते हैं, एक पेरिफेरल रीजन कंटेन करते हैं। सेंट्रल रीजन जो होता है वो फाइब्रिल है, और यहां पर राइबोसोमल डीएनए मौजूद है जो बेटे राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। जब कभी आप साइडों के डीएनए की बात करते हो, जो साइडों के ग्रेनुलर पोर्शन की बात करते हो, तो जो आपके पास ग्रेनुलर पोर्शन है, ये ग्रेनुलर पोर्शन जो साइड्स पे पाया जाता है, ये ग्रेनुलर पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोमल सब यूनिट। ये राइबोसोमल सब यूनिट्स की फॉर्मेशन करता है। मजीद हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि जब कभी आप यहां से ऑनवर्ड मूव करते हो, तो आपके पास ये न्यूक्लियस जब कभी पैक होता है, यानी जब कभी ये डिवीजन फेज के अंदर जाता है, तो ये क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है। और जब कभी आपके पास ये क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो डिफरेंट तरह के क्रोमोसोम्स के अंदर बेटे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल्स के अंदर डिफरेंट होते हैं। जैसे कभी आप क्रोमोसोम की बात करो, तो हम लोग यूजुअली ये डिस्कस करते हैं कि क्रोमोसोम आपके पास एक सेंट्रल रीजन कंटेन करता है जिसको हम लोग सेंट्रोमियर का नाम देते हैं, और यूं इसके पास आफ्टर रेप्लिकेशन
बिफोर सेल डिवीजन यू सिस्टर क्रोमेटिड्स एग्जिस्ट करते हैं। इस रीजन को हम लोग काइनेटो कोर का नाम देते हैं, इनको हम लोग क्रोमेटिड का नाम देते हैं, और ये आपके पास सेंट्रोमियर की फॉर्म में मौजूद होता है। मजीद अगर बात की जाए तो आपके पास यहां पर एक और स्पेशल टाइप की थिकनेस एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का नाम देते हैं। दिस इज टर्म्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, इसको आप सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का नाम देते हैं। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बेसिकली आपके पास वो रीजन होता है कि जब कभी भी ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यहां पर ओपन होती है तो ये न्यूक्लियोलस बनाती है। इस वजह से हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को दूसरे लफ्जों में NOR यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन का नाम भी दे रहे होते हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम आपके पास ऐसी एंटिटीज हैं जो मुख्तलिफ नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ तादाद में पाए जाते हैं। जैसे यूजुअली हम लोग जब कभी डिस्कस करते हैं तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये क्रोमोसोम आपके पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर तादाद में दो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर तादाद में दो होंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये तादाद में 6 होते हैं, या मेरे बेटे ये आपके पास कुछ ऑर्गेनिज्म में 8 होते हैं, ये आपके पास कुछ ऑर्गेनिज्म में 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 26 है, 32 है, 40 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, 48 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, 80 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, आपके पास ये 1000 तक क्रोमोसोम्स मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि और भी बहुत से नंबर्स के अंदर क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे डोमेन के अंदर चूंकि जितने क्रोमोसोम्स आते हैं हम लोग उसको याद कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 2 अमूमी तौर पर आपके पास मौजूद होंगे पेनिसिलियम के अंदर, या 6 क्रोमोसोम मॉस्किटो के अंदर पाए जाते हैं, जो कि पेपर का क्वेश्चन है, 8 क्रोमोसोम्स ड्रोसोफिला के अंदर होते हैं, 14 क्रोमोसोम्स पी प्लांट के अंदर पाए जाएंगे, 16 क्रोमोसोम्स अनियन के अंदर मौजूद होते हैं, 18 रेडिश या कैबेज के अंदर मौजूद होते हैं, 20 क्रोमोसोम कॉर्न में पाए जाते हैं, यहां बेटे ये आपके पास हैशिश में, जिसको आप लोग चर्स कहते हैं उर्फ आम में, इनमें 20 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, राना टेग्रिना यानी फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, 32 क्रोमोसोम हनी बी के अंदर पाए जाते हैं, 40 क्रोमोसोम्स माइस के अंदर या मैंगो के अंदर मौजूद होते हैं, 40 क्रोमोसोम्स 46 ह्यूमन के अंदर पाम प्लांट में पाए जाते हैं, 48 पोटैटो में या चैम पेंजी के अंदर मौजूद होते हैं, 80 क्रोमोसोम्स शुगर केन में होते हैं, या बेटे ये पिजन में पाए जाते हैं, 1000 क्रोमोसोम यूजली
फर्न्स में मौजूद होता है। तो बेसिकली ये क्रोमोसोम्स आपके पास इस तरह से, चूंकि हमारी किताब के अंदर मेंशन है, इस वजह से बेटे हम लोग इनको याद कर रहे होते हैं, ताकि अगर वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम से कभी क्वेश्चन दे, जो उसने नाम्स के अंदर एक बार मॉस्किटो में का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर वो कभी पूछे तो हमारे पास ये पॉसिबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम याद होने चाहिए। मोर ओवर हम लोग ये बात पढ़ना शुरू करते हैं कि अगर आप साइट न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, तो न्यूक्लियस के बाहर आपके पास मुकम्मल एक जहां मौजूद होता है, और वो जहां साइटोप्लाज्म के ऊपर बेस करता है। वो कहते हैं जी, जब कभी आप साइटोप्लाज्म की बात करोगे, तो साइटोप्लाज्म आपके पास बेसिकली वो एंटिटी है जो के बेस करती है टू स्ट्रक्चर्स के ऊपर। साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें मौजूद है, वन इज टर्म्ड एज साइटोसोल एंड अदर इज नेम्ड एज साइटो मेम्ब्रेनियस सिस्टम। अच्छा, हम लोग ये कहते हैं कि जी साइटोसोल बेसिकली आपके पास वो लिक्विड सब्सटेंस है। जैसे आप कभी सूप की एग्जांपल लेते हो, तो सूप के अंदर जो ग्राउंड बेसिक सब्सटेंस मौजूद होता है उसको हम लोग साइटोसोल कंसिडर कर लें, उसके अंदर जो वेजिटेबल्स और चिकन मौजूद होता है उसको साइटो मेम्ब्रेनियस सिस्टम कंसिडर कर लिया जाए, तो आपके पास साइटोप्लाज्म 100% इस तरह की एक एंटिटी है। यूजली साइटोसोल को हम लोग सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिडर करते हैं, इट इज सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये आपके पास मेरे बेटे वो पोर्शन है जो ग्राउंड सब्सटेंस कंसिडर होता है। और यूजली जब कभी हम लोग साइटोसोल की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि साइटोसोल बेसिकली एक सॉल्यूशन की फॉर्म में मौजूद होता है, तो सॉल्यूशन के अंदर या तो मेरे बेटे वाटर मौजूद होगा या उसके अंदर सॉल्यूट्स मौजूद होंगे। तो यूजली जो आपके पास वाटर मौजूद होता है वो 90% तक यहाँ पे वाटर होता है, और जो सॉल्यूट्स आपके पास यहाँ पर मौजूद होते हैं, ये सॉल्यूट या तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या मेरे बेटे ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स अमूमी तौर पर आपके पास आयंस होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, और ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स यूजुअली यहां पर फॉर्म करते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। और हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ये असल में सोल की सूरत में पाया जाता है। जब कभी आप लोग किसी सेल के साइटोप्लाज्म को गौर से देखोगे, तो आप ये कहोगे कि इसके साइड वाला जो मटेरियल है इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। चूंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ये हायर विस्कोसिटी कंटेन करते हैं, तो इसको हम लोग सेल का कॉर्टेक्स कंसिडर करेंगे, हम लोग इसको सेल का साइटोजेल कंसिडर करेंगे, या हम इसको एक्टोप्लाज्म का नाम देंगे। बेटे सेल के सेंटर के अंदर आपके पास चूंकि सोल्यूबल पोर्शन पाया जाता है, तो ये जो सोल्यूबल पोर्शन मौजूद होता है इसको हम लोग सेल का सोल कंसिडर करते हैं। ये सोल वो पोर्शन होता है जहां पर अमूमी तौर पर चीजें फ्लो कर रही होती हैं, और इस फ्लो के दौरान बहुत से ऑर्गेनल भी इसके साथ फ्लो करते हैं सवाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मोशन है ना, वो असल में सोल के अंदर पाई जाती है। साइड वाला सारे का सारा पोर्शन चूंकि ज्यादा विस्कस होता है, इस वजह से वो जेल या एक्टोप्लाज्म की सूरत में मौजूद होगा। जब कभी आप सोल की बात करोगे, तो सोल आपके पास चूंकि लिक्विड पोर्शन होगा, तो सोल लिक्विड पोर्शन होने की वजह से ये वो पोर्शन आपके पास मौजूद होते हैं जो कि सोलबल चीजों के को कंटेन करते हैं, और ये सोलबल चीजें
इनके सेंटर के अंदर मौजूद होती है। जब कभी मेरे बेटे हम लोग यहां से ऑनवर्ड मूव करते हैं तो हम साइटोमेम्ब्रेनियस सिस्टम की तरफ आते हैं। जब कभी आप साइटोमेम्ब्रेनियस सिस्टम को पढ़ना शुरू करते हो तो वो ये कहता है कि साइटोमेम्ब्रेनियस सिस्टम में दो तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। एक आपके पास वो स्ट्रक्चर हैं जिनको हम लोग असेंशियल स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं और एक वो हैं जिनको हम लोग नॉन असेंशियल बॉडीज कंसिडर करते हैं। अच्छा, जो नॉन असेंशियल बॉडीज आपके पास मौजूद होती हैं, ये असल में आपके पास वो बॉडीज हैं, ये नॉन असेंशियल बॉडीज आपके पास वो बॉडीज होती हैं जिनको हम इंक्लूजन्स का नाम देते हैं और ये इंक्लूजन फॉर द टाइम बीइंग बनती रहती है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास वेस्ट की सूरत में जैसे ऑक्सा लेट्स की सूरत में मौजूद हो सकती हैं या ये आपके पास यूजफुल कंपाउंड की सूरत में जैसा कि ग्लाइकेन या मेलानिन की सूरत में मौजूद हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि आपके पास हर सेल के अंदर इंक्लूजन्स फॉर्म हो रही हो। अगर सेल के पास लेट्स सपोज ग्लूकोज बहुत ज्यादा आ जाता है तो उस सूरत में सेल अपने अंदर कुछ इस तरह की बॉडीज बनाना शुरू करता है, लेकिन ये तमाम सेल्स के अंदर होना जरूरी नहीं होता। मजीद हम लोग ये बात पढ़ना शुरू करते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो कि आपके पास असेंशियल होते हैं, ये आपके पास या तो मेम्ब्रेनियस होते हैं या नॉन मेम्ब्रेनियस होते हैं। तो हम लोग सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि या तो ये मेम्ब्रेन के बेस पे बात करें तो आपके पास या तो इनके पास मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है या इनके पास मेम्ब्रेन मौजूद होती है। जिनके पास मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है वो आपके पास यूजुअली राइबोसोम्स हैं या बेटे ये आपके पास या ये राइबोसोम्स होते हैं या ये सेंट्रियूल्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन्स एग्जिस्ट नहीं करती। और वो जिनके पास मेम्ब्रेन्स मौजूद हुआ करती हैं तो जब कभी हम मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर फिर दो तरह के, या तो बेटे ये ऐसे मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर हैं जिनके पास एक मेम्ब्रेन होती है या ये ऐसे मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर हैं जिनके पास दो मेम्ब्रेन होती है। तो वो जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है वो सारे के सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके पास गोल्जी बॉडीज बन रही होंगी और फिर गोल्जी बॉडीज से लाइसो फॉर्म्स बनेंगे, या हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होती हैं माइक्रो बॉडीज। और ये माइक्रो बॉडीज कौन सी हैं, जैसे हम पारोक्सिज़ोम्स की बात करते हैं या ग्लाइओक्सिज़ोम्स की बात करते हैं। जब कभी आप डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स की बात करते हो तो डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर में बेटे या तो प्लास्टिड होते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सो ये इस तरीके से हम ये कंसिडर करते हैं कि साइटोप्लाज्म आपके पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स अटेन करता है। मोरओवर अगर आप डिस्कस करो तो हम ये कहते हैं कि साइटोप्लाज्म आपके पास इस तरह की एंटिटीज होती हैं जो के सेल के अंदर बड़े पढ़े लिखे किस्म के ऑर्गेनल कंसिडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे इन्होंने एमएससी कर रखी है, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। जितनी भी स्टोरेज के काम हैं मेजर स्टोरेजेस साइटोप्लाज्म में होती हैं, या आपके पास जो साइक्लोसिस की मूवमेंट है यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट की बात करते हैं वो भी आपके पास इसी जगह पर होती है। सो इस तरीके से हम लोग साइटोप्लाज्म को कंप्लीट कर रहे होते हैं। अगर यही बात अगर हम लोग यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना शुरू करें और हम लोग बात कर रहे हों सेल वॉल की, तो बेटे सबसे पहली बात तो हम लोग ये करते हैं कि सेल वॉल किन के पास मौजूद होती है और किन के पास नहीं होती है। उसने कहा जी सेल वॉल को अगर आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस और एब्सेंस, तो भाई दो जिंदगियां आपके पास ऐसी हैं जिनके पास
सेल वॉल कभी भी नहीं होती जैसे प्रोटोजोआ के पास और किसी एनिमल सेल के पास मेरे बेटे सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। जब कभी हम लोग बात करते हैं कि सेल वॉल मौजूद किन चीजों के पास होती है, तो हम ये कहते हैं कि जी सेल वॉल मोर एक्सक्लूसिवली इनके अलावा सारी जिंदगी के पास होती है। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि सेल वॉल आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल के पास मौजूद होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल के पास बेटे किस चीज की सेल वॉल बनी होती है? हम कहते हैं जी इनके पास या तो सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकेन की होती है या ये म्यूरीन की सेल वॉल मौजूद होती है। म्यूरीन बेसिकली म्यूरस से वर्ड निकला है और म्यूरस बेसिकली वॉल्स को कहा जाता है। इसी तरीके से अगर आप देखो तो आपके पास फंजाए के पास सेल वॉल एग्जिस्ट करती है। जब कभी बेटे आप फंजाए की बात करते हो तो फंजाए की सेल वॉल एक्सक्लूसिवली काइटन से फॉर्म होती है, और काइटन में भी खास तौर पर ये इसकी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस ये है कि ये ग्लूकोजामीन यूनिट से बनी होती है, यानी इनके पास ऐसे ग्लूकोज मौजूद होते हैं जिनके साथ एन एसिटाइल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं या अमाइन ग्रुप्स मौजूद होते हैं। अगर यही बात हम लोग ऑनवर्ड डिस्कस करें एलजी के हवाले से, तो एलजी के पास सेलुलोज मैनोज ग्लेक्टन्स वगैरह की सेल वॉल मौजूद होती है, और अगर आप बात करना शुरू करो प्लांट की तो हम ये कहते हैं कि प्लांट की सेल वॉल बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स पर बेस करती है, और ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल या मिडल लैमेला की फॉर्मेशन करते हैं। जनरली जब कभी हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो हम लोग मेरे बेटे बात ये करते हैं कि प्लांट आपके पास एक ऐसी एंटिटी है जो जो सेल वॉल कंटेन करते हैं, इसको हम अपने वे के अंदर ये मानते हैं कि प्लांट की सेल वॉल हमारे लिए डॉन का रुतबा रखती है। अच्छा, डॉन का रुतबा कैसे रखती है? उसने कहा जी ये आपके पास जो प्लांट की सेल वॉल होती है, इट डू नॉट एक्ट एज बैरियर, ये कभी भी बैरियर का रोल प्ले नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह बैरियर्स का रोल प्ले नहीं करती है। मजीद अगर बात आप करना शुरू करें तो आप लोग ये कहते हो कि ये आपके पास हमेशा आउटर मोस्ट बाउंड्री के तौर पर मौजूद होगी, या जो आपके पास प्लांट की सेल वॉल होती है बेटे, ये यूजली नॉन लिविंग नेचर की होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग नेचर की होती है, उसको हम लोग बायो मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, लेकिन बेटे जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है ये हमेशा नॉन लिविंग नेचर की होती है। यूजुअली जब कभी आप प्लांट सेल वॉल को पढ़ते हो तो प्लांट के दरमियान बनने वाली ये सेल वॉल बेसिकली दो सेल्स के दरमियान मिडल लैमेला से आगाज करती है। इसी वजह से हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि दो प्लांट्स के दरमियान में जो सबसे पहली सीमेंटिंग लेयर फॉर्म होती है, उस सीमेंटिंग लेयर को हम लोग मिडल लैमेला का नाम देते हैं। तो आपके पास प्लांट्स के दरमियान जो सबसे पहली लेयर फॉर्म होगी, दिस इज नेम्ड एज अ सीमेंटिंग लेयर, इमोर्फस लेयर, जो कि कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट से बनेगी, और इसको हम लोग नाम देते हैं मिडल लैमेला का। ठीक है, अच्छा, फिर ये मिडल लैमेला से हम आगे निकलें तो आपके पास सबसे बाहर की साइड पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी सेल वॉल का, और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आपके पास यूं स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं
जिनको हम लोग नाम दे रहे होते हैं सेकेंडरी सेल वॉल का। अच्छा अगर आप ये देखो तो सेकेंडरी सेल वॉल विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, ये आपके पास हमेशा इनर टू प्राइमरी सेल वॉल बन रही होगी। यानी सबसे बाहर अगर एक प्लांट के हवाले से बात करोगे, एक प्लांट सेल के हवाले से, तो सबसे बाहर जो वॉल मौजूद होगी उसको हम लोग प्राइमरी वॉल कहोगे। जबकि अगर आप होल दो प्लांट्स में बात करते हो तो फिर आपके पास जो सबसे पहली वॉल बन रही होगी उसको हम लोग सेकेंडरी वॉल का नाम, उसको हम लोग मिडल लैमेला का नाम देते हैं। सो हम कहते हैं जी सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल की अगर बात की जाए तो प्राइमरी वॉल आपके पास वो वॉल है जो कि थिन और फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। ये थिन है, फ्लेक्सिबल नेचर की वॉल है। जबकि अगर आप सेकेंडरी वॉल की बात करते हो तो सेकेंडरी वॉल बेटे थिक होती है और रिजिड वॉल होती है। जब कभी आप प्राइमरी वॉल की बात करते हो तो वो कहता है प्राइमरी वॉल आपके पास कॉन्टिन्यूअस और ट्रू वॉल है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस वॉल है, ट्रू वॉल है, क्योंकि इसके दरमियान में ना पिट्स मौजूद नहीं होती हैं। जबकि आप सेकेंडरी वॉल की जब कभी बात करोगे तो सेकेंडरी वॉल के अंदर पिट्स मौजूद होती हैं, ये पिटेड वॉल। आप देख रहे हैं प्राइमरी वॉल कॉन्टिन्यूअस है, सेकेंडरी वॉल के अंदर पिट्स मौजूद होती हैं, ये पिटेड वॉल की सूरत में मौजूद होती है। प्राइमरी वॉल को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू बेटे कंपोजिशन पढ़ना शुरू करोगे तो इसमें सेलुलोज यानी जो कि ग्लूकोज के पॉलीमर से बनी होगी, या पेक्टिन, या मेरे बेटे हेमी सेलुलोज। अच्छा हेमी सेलुलोज के अंदर क्या चीज मौजूद होगी? हेमी सेलुलोज में सेलुलोज के अलावा यहाँ पर कीटोन शुगर्स मौजूद होती हैं, जैसे आर्बिनोज शुगर मौजूद होती है, जाइलुलोज शुगर मौजूद होती है। सो इस वजह से इसके अंदर कंपोजिशनल और चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मजीद हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि अगर आप सेकेंडरी सेल वॉल की बात करो तो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर यूजली सेलुलोज पेक्टिन हेमी सेलुलोज के अलावा, यहाँ पे हेमी सेलुलोज पेक्टिन तो नहीं पाए जाएंगे, अलबत्ता यहाँ पर लिग्निन मौजूद होगा, यहाँ पर वैक्सेस मौजूद हो सकते हैं, यहाँ पर क्यूटिन मौजूद हो सकती है, यहाँ पर बी सेलुलोज मौजूद हो सकती है, यहाँ पर आपके पास सिलिकेट्स मौजूद हो सकते हैं, यहाँ पर इनऑर्गेनिक आइंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी वॉल के अंदर पाई जाती हैं। हम लोग ये कहते हैं कि जी प्राइमरी वॉल यूजली लिविंग सेल्स के अंदर पाई जाती है, यूजली इन द लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल्स में, जैसे कि हम लोग पैरेन्काइमा सेल्स की बात करते हैं तो पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर ये वॉल मौजूद होती है। जब कभी आप लोग बात करोगे सेकेंडरी वॉल की तो ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के अंदर पाई जाती है, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के अंदर सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल के फंक्शंस को जब कभी बेटे हम लोग एसोसिएट करते हैं तो हम लोग इसको हमेशा स्ट्रोम के साथ याद रखते हैं। स्ट्रोम के साथ आप कैसे याद रखोगे? हम ये कहते हैं कि बेटे आपके पास ये प्लांट में शेप प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ये रिजिड करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस को, प्रिवेंट ऑस्मोटिक लाइसिस। यानी कभी वॉटर अगर इसके अंदर एंटर होगा तो ये इनकी लाइसिस नहीं हो रही होगी। मोर ओवर हम ये कहते हैं कि ये मैकेनिकल
सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेटे दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट आवर थ्री टॉपिक्स, जिसके अंदर हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं, हम लोग साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। तो मैं जरा साइटोप्लाज्म को हाईलाइट कर दूं, हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे होते हैं या हम लोग बात कर रहे होते हैं सेल वॉल की, ठीक है जी। तो ये तीन टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किए हैं। यहां तक मेरे बेटे अगर कोई चीज पूछने वाली है तो आप बता दें। ठीक है, thank you.